खबरों का डबल डोज 1 और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बात। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडार। तो कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है लेकिन खतरा कम नहीं हुआ है। एम्स के निदेशक कह रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना का नया पीक आने वाला है। बुलेटिन में आपको हम कोरोना पर हर अपडेट देंगे और बुलेटिन में चर्चा बिहार की चुनावी राजनीति की होगी। दिखाएंगे चुनावी प्रचार में कहां चरमरा गया मंच और धड़ाम से गिर गए नेता। महाराष्ट्र के शिरडी में एक तेंदुए को लेकर जबरदस्त दहशत, दिखाएंगे आपको इस खूनी तेंदुए की कहानी। और यूपी के सहारनपुर लिए चलेंगे जहां पर पटाखे फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगी, दिखाएंगे इस हादसे की तस्वीरें। 11:30 बजे देखिए हमारा खास शो पुलवामा पर पाकिस्तान कैसे बेपर्दा हुआ। शुरुआत लेकिन सौ खबरों के साथ। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में 3 बीजेपी नेताओं की हत्या पर कोहराम, सदमे में परिवार। बीजेपी नेता फिदा हुसैन, उमर हजम, उमर राशिद की गोली मारकर हत्या, पूरे इलाके में तनाव। आज तीनों नेताओं का अंतिम संस्कार, जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना भी होंगे शामिल। को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और चुन चुन कर इन आतंकवादियों का कश्मीर घाटी से सफाया करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, परिवार के प्रति संवेदना। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा राष्ट्र विरोधी ताकतों की साजिश। बीजेपी का आरोप जो पार्टियां कश्मीर में सक्रिय हो रही हैं उनको बनाया जा रहा है निशाना। पॉलिटिकल पार्टीज जो कश्मीर में एक्टिव होने का प्रयास कर रही हैं उनके द्वारा प्रवोक किए जाने पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। कुलगाम में एनआईए ने संदिग्ध ठिकानों पर मारे छापे, कई घरों की तलाशी। कुलगाम के अलावा शोपियां में भी आतंकी हमला, एक युवक घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। समस्तीपुर में तेजस्वी की रैली, महंगाई को लेकर एनडीए पर साधा निशाना। बिहार चुनाव प्रचार में गिरा नेताजी का मंच, पश्चिमी चंपारण में कांग्रेस की रैली में हुआ हादसा। सीतामढ़ी में तेजस्वी यादव की सभा में अफरा तफरी, लोगों से शांति की अपील करके 10 मिनट में वापस लौटे आरजेडी के नेता। बिहार के किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी की रैली, महागठबंधन पर जमकर निशाना। अगर आज नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर दूध पी रहे तो इसका जिम्मेदार राजद भी है और कांग्रेस भी है। आज गुजरात के दौरे पर हैं पीएम, सबसे पहले दिवंगत नेता केशुभाई पटेल को दी श्रद्धांजलि। दोपहर में आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का करेंगे उद्घाटन, एकता मॉल का करेंगे दौरा, जाएंगे चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क। इसके बाद जंगल सफारी का उद्घाटन करेंगे पीएम। शाम 5 बजे कई योजनाओं का शिलान्यास। शाम 7 बजे डायनामिक डैम लाइटिंग का करेंगे उद्घाटन। संयुक्त राष्ट्र की सभी भाषाओं में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वेबसाइट करेंगे लॉन्च। पीएम के दौरे से पहले केवड़िया में सफाई और सुरक्षा कर्मियों का कोरोना टेस्ट, गुजरात पुलिस के 20 जवान समेत कुल 21 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुंगेर में हिंसा के बाद डीआईजी ने संभाला मोर्चा, हालात को काबू में करने के लिए पलटन के साथ फ्लैग मार्च। मुंगेर को लेकर सरपट सुलग रही है सियासत, तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर फिर उठाए सवाल। गोली चलाने का, इतने बेरहमी से पीटने का आदेश किसने दिया? किसने जनरल डायर करने को, डायर की हरकतों को दोहराने के लिए कहा गया? शिवसेना नेता संजय राउत ने उठाया मुंगेर गोलीकांड का मुद्दा, मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए हमले को हिंदुत्व पर हमला बताया। हिंदुत्व के ऊपर तो अगर मुंगेर में इस प्रकार से हमला होता है जहां बीजेपी की भी सरकार है तो क्या हिंदुत्व का विरोध नहीं है? ये हिंदुत्व के ऊपर हमला है। बिहार के चुनाव में हुई आरक्षण की एंट्री, नीतीश का बड़ा दाव, जाति की आबादी के हिसाब से आरक्षण देने की हिमायत। हम लोग तो चाहेंगे भी जितनी आबादी है उस हिसाब से उसको रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए, इसमें हम लोगों को कहां कोई दो राय हो सकती है, कोई हम लोगों के हाथ का नहीं। वाल्मीकि नगर में वोट मांग रहे थे नीतीश कुमार, कहा मैं सालों से थारू जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कराने की कर रहा हूं कोशिश। इस बार जो और लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने वाले हैं उनको शामिल करिए हमारे यहां थारू को और सभी हम आपका काम सुनेंगे। वाल्मीकि नगर में है थारू जाति के वोटों की ज्यादा तादाद, नीतीश से की थी अनुसूचित जाति के दर्जे की मांग। लगातार दूसरे दिन हिट विकेट हुआ पाकिस्तान, अभिनंदन के बाद पुलवामा को लेकर इमरान के मंत्री ने कबूला सच। पुलवामा आतंकी हमले को पाकिस्तान ने बताई अपनी कामयाबी, नेशनल असेंबली में इमरान के मंत्री फवाद चौधरी का बयान।
अब तक पुलवामा में हाथ से इनकार करता रहा पाकिस्तान, इमरान सरकार के मंत्री के बयान से सामने आई हकीकत। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने पाकिस्तान के कबूलनामे पर विपक्ष पर किया वार, भूले भाषा की मर्यादा। ऊपर जनता को लेश मात्र भी विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इनको खुले में जूते लगाने चाहिए। अकोला में शिवसेना और बीजेपी पार्षद और कार्यकर्ता आपस में भिड़े, शिवसेना पार्षद ने तोड़ा माइक, पंडाल गिराने की कोशिश। शिवसेना पार्षद ने सभाओं के लिए किया लंबित। शिवसेना ने निलंबित पार्षद को हटाया, शिवसेना ने बीजेपी पर मनमानी का लगाया आरोप। हापुड़ में एक ऑटो चालक ने छात्रा को अगवा करने की कोशिश की, विरोध करने पर रॉड से हमला कर फरार। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में सड़क हादसे में 5 की मौत, कई लोग घायल। हरियाणवी सिंगर सुमित गोस्वामी को मिली हत्या की धमकी, सोनीपत में घर के बाहर दबंगों ने लहराई पिस्टल, 4 राउंड चलाई गोली। पुलिस के मुताबिक एक लड़के की खुदकुशी और 10 लाख की उधारी से जुड़ा मामला। अयोध्या में पुलिस और दमकल कर्मियों ने बचाई महिला की जान, कुएं में गिरी महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। कानपुर में कारोबारियों ने किया प्रदर्शन, मंडी शुल्क हटाने की मांग। आज शरद पूर्णिमा, वाराणसी में भक्तों ने लगाई गंगा में आस्था की डुबकी। मधुबनी में एक मोबाइल के लिए हुई स्कूल संचालक की हत्या, 3 बाइक सवारों ने मारी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्यप्रदेश के श्योपुर में सब्जी मंडी में लगी आग, लाखों का नुकसान। असम के लखीमपुर में पर्राटा भरते ट्रक में लगी आग, हादसे में कोई घायल नहीं। झारखंड के जामताड़ा में जाल में फंसा अजगर, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। शिरडी में तेंदुए की दहशत, कई लोगों को किया घायल। मुजफ्फरनगर में विवाहिता की संदिग्ध मौत, फंदे से लटकी मिली लाश। शामली में समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हुसैन की गुंडागर्दी, पुलिस को सरेआम धमकी देते कैमरे में कैद। राजस्थान के करौली में दबंगों से परेशान होकर पीड़ित परिवार ने जिला कलेक्ट्रेट पर डाला डेरा, मवेशियों के साथ धरने पर बैठे। मध्यप्रदेश के शिवपुरी में लड़की ने की खुदकुशी, भंडारे में पंडित ने भोजन करने को लेकर लगाई थी फटकार। गुवाहाटी में जेई परीक्षा घोटाला में 5 आरोपियों को 5 दिन की कस्टडी में भेजा गया, परीक्षा में दूसरे को बिठाकर टॉपर ने की थी हेराफेरी। सिरसा में आबकारी विभाग के 4 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज, फर्जी फर्म बनाकर सरकार को करोड़ों का चूना लगाने का आरोप। राजस्थान के अलवर में दलित महिला से गैंगरेप का वीडियो वायरल, आरोपी अब तक फरार। लखीमपुर में पटाखे से भड़की चिंगारी से जलकर दुकान खाक, लाखों के नुकसान की आशंका। असम के चिरांग में पुलिस को बड़ी कामयाबी, तलाशी अभियान में हथियार, गोली, ग्रेनेड बरामद। अलीगढ़ में कलयुगी बेटे ने पीट पीट कर मां की हत्या की, शराब पीने के विरोध में भड़का था आरोपी। कांग्रेस की पूर्व सांसद अनु टंडन ने छोड़ी पार्टी, उन्नाव की जनता को बताया क्यों लिया फैसला। टीएमसी की सांसद नुसरत जहां पर लगा हाईकोर्ट की अवमानना का आरोप, पाबंदी के बावजूद दुर्गा पंडाल का किया था दौरा। देहरादून में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष। किसान आंदोलन की वजह से पंजाब में मंडराया ब्लैकआउट का खतरा, थर्मल प्लांट को नहीं हो रही है कोयले की सप्लाई। कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई की अदालत ने दिए जांच के आदेश, एक संप्रदाय विशेष को लेकर नफरत भरे शब्दों के इस्तेमाल का आरोप। गुरदासपुर में कांग्रेस की रैली, खेती बिल को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। मध्य प्रदेश के गुना में ट्रक का टायर फटने से भीषण सड़क हादसा, 4 मजदूरों की मौत। चंदौली में 12 लाख की शराब बरामद, बिहार चुनाव में इस्तेमाल के लिए दूध की गाड़ी में हो रही थी तस्करी। तेलंगाना में पेरापल्ली के सिंगरेनी कोयला खदान में विस्फोट, 4 मजदूर फंसे, 3 को बचाया गया। चंदौली के बलुआ में पुलिस को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। एएमयू में छात्रों ने निकाला फ्रांस के विरोध में प्रोटेस्ट मार्च, फ्रेंच प्रोडक्ट इस्तेमाल न करने की मुहिम। दिल्ली सटे नोएडा में युवक की हत्या के बाद हंगामा, लाश के साथ लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। दिल्ली के युवा कारोबारी के लिए इंसाफ की मांग को लेकर सड़क पर उतरे गुर्जर समाज के लोग, डीएनडी पर लगाया जाम। निकिता केस में हरियाणा सरकार का फैसला, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई। सहारनपुर में बीएचपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, निकिता के हत्यारों को फांसी दिए जाने की मांग। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया, आसानी से हासिल किया 173 रन का लक्ष्य। 53 गेंद पर 72 रन बनाकर ऋतुराज गायकवाड़ बने मैन ऑफ द मैच, 6 चौके 2 छक्के जड़े। राइडू ने 20 गेंद पर 38 रन बनाया, जडेजा ने महज 11 गेंद पर जड़े 31 रन, 2 चौके 3 छक्के लगाए। राणा के 87 रन की बदौलत कोलकाता ने 5 विकेट पर बनाए 172 रन, लेकिन गेंदबाजों ने किया निराश। आईपीएल में आज किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स की टक्कर, शाम 7:30 बजे होगा मुकाबला। 7 नवंबर को इस साल की पहली सैटेलाइट लॉन्च करेगा इसरो, प्राइमरी सैटेलाइट EOS-01 और 8 कस्टमर सैटेलाइट की होगी लॉन्चिंग।
अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 30 नवंबर तक जारी रहेगी रोक। डीजीसीए ने कोरोना के मद्देनजर किया फैसला। भारत में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची स्मार्टफोन की बिक्री। सैमसंग ने शाओमी को पीछे छोड़ दिया। गुरुवार से शुरू हुए फ्लिपकार्ट की बिग दिवाली सेल, 4 नवंबर तक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मोबाइल लैपटॉप पर मिलेगा भारी डिस्काउंट। कोटक महिंद्रा बनेगा देश का पांचवा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड। 3 सालों में डीएसपी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन और निपॉन म्यूचुअल फंड में आई गिरावट का फायदा। फ्रांस के नाइस में एक चर्च में चाकूबाजी की घटना, 3 लोगों की मौत, पुलिस को आतंकी हमले का शक। दुनिया में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर, 4,49,00,000 के करीब पहुंची संक्रमितों की संख्या। अमेरिका में 91,21,000 के पार हुई संक्रमितों की संख्या, 2,33,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। यूरोप में जारी है कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन। स्पेन के बार्सिलोना में सड़कों पर उतरे कारोबारी और मजदूर। इटली में कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की मांग को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन। कोरोना को काबू में करने के लिए चेक रिपब्लिक में लगाया गया कर्फ्यू। प्राग की सड़कों पर रात 9 बजे के बाद फंसा सन्नाटा। अमेरिका के बोस्टन हवाई अड्डे पर शुरू हुआ कोरोना टेस्ट। दुनिया भर से पहुंच रहे यात्रियों को कोविड टेस्ट के बाद ही एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने खुद को किया क्वारंटीन। कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने के बाद फैसला। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में मतदान के एक हफ्ते पहले ही आधे से ज्यादा लोग डाल चुके हैं वोट। 48,00,000 लोगों ने किया मतदान। अमेरिका में मतदाताओं को लुभाने के लिए ट्रंप ने क्यूबा के साल्सा हिट को अपने प्रचार में शामिल किया। यूट्यूब पर अपलोड किया वीडियो। गर्भपात पर प्रतिबंध के खिलाफ पोलैंड में विरोध प्रदर्शन। राजधानी वॉर्सो की सड़कों पर उतरे लोगों ने बताया मानवाधिकार का हनन। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ अरब देशों में बढ़ता जा रहा है गुस्सा। इराक ईरान को लेकर वेस्ट बैंक तक जारी है प्रदर्शन। सीरिया के इडलीब और एलेप्पो में शुरू हुई बमबारी। टर्की समर्थित विद्रोहियों ने बरसाए बम। मेक्सिको में कोरोना के बीच मनाया जा रहा है पारंपरिक त्यौहार। एक चर्च में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। अमेरिका के कई इलाकों में जेटा तूफान ने मचाई तबाही। मिसिसिपी से लेकर मायमी तक बारिश और हवा का कोहरा। पहले बात कश्मीर की, जहां पर सेना के ताबड़तोड़ ऑपरेशन से बौखलाए आतंकियों ने अब राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में कल रात आतंकवादियों ने बीजेपी के 3 नेताओं की हत्या कर दी। सेना आतंकवादियों की तलाश में है, लेकिन जो नेता मारे गए हैं उनके घरों में मातम है। जनाजे में स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ी, जो सबूत है कि ऐसे हमलों से कश्मीर डरने वाला नहीं। अशरफ वानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और खबरों के साथ और जानकारी के साथ। अशरफ, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, परिवार बेहद तकलीफ में दिखाई देता है। जिस तरह से घात लगाकर हमला हुआ, टारगेटेड किलिंग, किस तरफ जा रही है परिस्थितियां, क्या हाल है वहां पर अभी? मीनाकशी, दरअसल जैसे आपने कहा, इस तरह की तस्वीरें पहली बार कश्मीर में लोगों ने नहीं देखी। पिछले कई महीनों से इसी तरह का दौर अलग अलग हिस्सों में चल रहा है। अगर मात्र पिछले 2 महीने की बात की जाए, जुलाई में सबसे पहले जो है इसी तरह की तस्वीरें जो है वसीम बारी, जो कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे बांडीपोरा में, उनके साथ भी इसी तरह बर्बरता हुई थी। उनके परिवार के 3 लोग मारे गए थे और कल देर रात को ये कुलगाम की तस्वीरें सामने आई है। और अभी भी सरकार के पास कोई ठोस रणनीति नहीं नज़र आ रही है, जहां से बीजेपी कार्यकर्ताओं को या फिर बीजेपी नेताओं की सुरक्षा को निश्चित किया जाए। यहां तक कि हमारे साथ जो कल शाम से लगातार बातचीत हो रही है अलग अलग बीजेपी के नेताओं की, कई का मानना है कि कहीं ना कहीं प्रशासन को अब ये संज्ञान लेना चाहिए और जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता है उनकी सुरक्षा को निश्चित करना चाहिए, वरना वो परिस्थितियां फिर हो जाएंगी कश्मीर में, जहां पर न सिर्फ पार्टी छोड़ रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, बल्कि साथ ही साथ जो अलग अलग सरपंच और ब्लॉक कमेटी मेंबर्स जो बीजेपी पार्टी के नियुक्त हुए हैं पिछले कई महीनों के दौरान और फिर इलेक्शन होने वाले हैं, वो भी फिर इन चुनावों में नहीं आएंगे। तो जाहिर है प्रशासन पर दबाव है, सरकार पर दबाव है। उस बीच जो है आज जो है कई नेता जो हैं बीजेपी के इस परिवार के साथ सहानुभूति जताने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं, लेकिन एक दिन बीत जाएगा फिर ये तस्वीरें लोग भूल जाएंगे और साथ ही साथ फिर ये समस्या जो है कहीं ना कहीं फिर खड़ी हो जाएगी। और जाहिर है कि अब सरकार को ये देखना होगा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में राजनीतिक जो कार्यकर्ता हैं, चाहे बीजेपी के हो या फिर दूसरे पार्टी के हो, जो देश की बात कश्मीर में करते हैं, उनकी सुरक्षा को किस तरह से चाक चौबंद किया जाए ताकि वो
खुली हवा में और बिना किसी डर के अपने जो काम है या फिर जो अपनी राजनीतिक गतिविधियां हैं उनको आगे बढ़ा सकते। ठीक है अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बिहार के सियासी रण में अब आरक्षण का दांव आ गया है। सीएम नीतीश कुमार ने आबादी के हिसाब से आरक्षण की हिमायत की है। नीतीश का कहना है कि उनकी हमेशा से यही राय रही और वो इस पर कायम है कि जातियों को उनकी आबादी के हिसाब से ही आरक्षण मिलना चाहिए। बिहार के रण में पार्टियां वोटों के लिए जीतोड़ कोशिश कर रही हैं। रोजगार और कानून व्यवस्था से लेकर घोटालों की जमकर चर्चा हो रही है, लेकिन अब बारी आ गई है नए सियासी औजारों को आजमाने की और इस सब के बीच नीतीश कुमार ने खेला है आरक्षण का दांव। वाल्मीकि नगर में नीतीश कुमार ने आज दो टूक कहा कि जातियों को आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। असल में वाल्मीकि नगर में थारू जाति के काफी वोट हैं और ये जाति जनजाति में शुमार करने की मांग उठा रही है। इसी का समर्थन करते हुए नीतीश ने कहा कि जनगणना हम लोगों के हाथ में नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि जितनी लोगों की आबादी है उस हिसाब से लोगों को आरक्षण मिले, इसमें हमारी कोई दो राय नहीं है। कि जो काम हुआ एक एक चीज को याद रखिए और संख्या वगैरह का सवाल है वो तो जो जनगणना होती है और उसी के बाद निर्णय होता है, और ये निर्णय कोई हम लोगों के हाथ का नहीं है जनगणना वाला। हम लोग तो चाहेंगे भी जितनी आबादी है उस हिसाब से उसको रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए, इसमें हम लोगों को कहां कोई दो राय हो सकती है। नीतीश ने ये भी कहा कि थारू को आरक्षण का फायदा दिलाने के लिए वो सालों से कोशिश कर रहे हैं, तब से जब से वो अटल सरकार में रेल मंत्री थे। उस समय हम श्रद्धेय अटल जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री थे और जो अनुसूचित जनजाति के मंत्री थे उनको तो बराबर रेल के काम के लिए वो हमसे मिलने आते थे। हमने उसी समय कह दिया था कि इस बार जो और लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने वाले हैं उनको शामिल करिए हमारे यहाँ थारू को और तभी हम आपका काम सुनेंगे। और आप जानते हैं ये सब हुआ और उसके बाद हम कितना आकर के अनेक काम करते रहे। असल में यहाँ प्रचार करने के लिए पहुँचे नीतीश के सामने थारू जाति ने पुरजोर तरीके से आरक्षण का मसला रखा था। सुनिए क्या थी इस जाति की मांग जिसका नीतीश कुमार ने समर्थन किया था। 5% हम लोग का एसटी का 5% मांग बढ़ाया जाए 5%, क्योंकि हम लोग का एसटी में कास्ट के लोग बढ़ते जा रहे हैं, एसटी में आ रहे हैं और परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग को 5% चाहिए। बिहार में पहले दौर का चुनाव हो चुका है, आरक्षण का दांव भी आजमाया जा चुका है, देखना है कि विरोधी इसकी क्या और कैसी काट निकालते हैं। वाल्मीकि नगर से गिरेंद्र कुमार पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में 3 नवंबर को विधानसभा की 7 सीटों के लिए उपचुनाव होंगे, लेकिन इससे भी ज्यादा राजनीति में रोमांचक मोड़ आ चुका है राज्यसभा चुनाव को लेकर। इसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती समाजवादी पार्टी से इतना नाराज हो गई कि उनको बीजेपी के साथ पसंद आने लगा है। दो हजार उन्नीस की ये दोस्ती 2020 में दुश्मनी में बदल गई। लोकसभा चुनाव में मायावती और अखिलेश की जोड़ी बनी जरूर, लेकिन दौड़ी नहीं और चुनाव हारी तो टूट गई। वो टूटन इस हद तक बढ़ गई है कि मायावती अगले विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी को भी वोट दे सकती है। अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है, और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व न किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए। कहते हैं राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। मेरे मुलायम कांशीराम हवा हो गए, जय श्री राम। 1993 में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव ने बीएसपी के कांशीराम से गठबंधन किया था, जिसने यूपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सत्ता की उम्मीदों को धूल में मिला दिया। लेकिन जब बीएसपी ने 1995 में मुलायम सरकार से समर्थन वापस लिया तो लखनऊ में गेस्ट हाउस में मायावती के साथ दुर्व्यवहार हुआ। लेकिन 24 साल बाद पिछले साल अखिलेश और माया फिर एक हुए
तो मायावती ने गेस्ट हाउस केस को वापस ले लिया। आज सियासी पाला बदला तो मायावती को इसका बड़ा अफसोस है। वैसे तो पिछले साल लोकसभा चुनाव में बुरे नतीजे के बाद ही एसपी बीएसपी का रास्ता अलग हो गया था, लेकिन यूपी में 10 सीटों पर हो रहे राज्यसभा चुनाव ने रिश्ते को और खराब कर दिया। बीजेपी के पास 395 की विधानसभा में 306 विधायक हैं। इनमें बीजेपी ने अपने 8 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिनको जिताने के लिए 288 वोट चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के पास 48 विधायक हैं और उसने एक उम्मीदवार रामगोपाल यादव को उतारा है, जिनको जीतने के लिए 36 वोट चाहिए। बीएसपी के पास 18 विधायक हैं और उसने रामजी गौतम को मैदान में उतारा है, जिनको जिताने के लिए अतिरिक्त 18 विधायक चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि मायावती को बीजेपी का समर्थन मिल रहा है। इस बीच निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कारोबारी प्रकाश बजाज ने पर्चा भर दिया, जिनको समाजवादी पार्टी के 10 विधायकों ने प्रस्ताव दिया और बीएसपी के 5 विधायकों ने पार्टी से बगावत कर दी। हालांकि प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज हो जाने से मायावती के उम्मीदवार ने राहत की सांस ली है, लेकिन मायावती के तेवर बता रहे हैं कि वो एसपी और विपक्ष को राहत की सांस नहीं लेने देंगी। जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में एक कैंडिडेट को लेकर दोनों में दुश्मनी उपजी है और जिस तरीके से मायावती ने साफ कर दिया है कि उन्हें बीजेपी मंजूर है, समाजवादी पार्टी नहीं, एक दुश्मनी की नई इबारत दोनों के बीच साफ देखी जा सकती है। राज्यसभा के 10 सीटों के साथ ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों के लिए भी 3 नवंबर को वोट पड़ने वाले हैं। उनमें सबसे अहम बांगरमऊ सीट है, जहां गैंगरेप मामले में घिरे बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की सदस्यता रद्द होने के कारण उपचुनाव हो रहा है। उनका फैक्टर है, उसका पार्टी को लाभ उठाना चाहिए। मैं आपके सामने हूं। तो वो इस वक्त जेल में हैं, लेकिन उनका फैक्टर काम कर रहा है मतदाताओं पर? आपको उनके प्रति सहानुभूति मतदाताओं में है, अगर वो जेल से भी चुनाव लड़ते तो निश्चित जीतते। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने आरती वाजपेयी को उतारा है, जो पुरानी विरासत का हवाला देकर जीत की आस बंधाए बैठी हैं। बांगरमऊ के अलावा देखें तो लोगों की नजर जौनपुर के मलहनी सीट पर भी है, जहां निर्दलीय विधायक के रूप में बाहुबली धनंजय सिंह लड़ रहे हैं, जो निर्दलीय ही 2002 में यहां से जीत चुके हैं। देवरिया सीट की खासियत यह है कि वहां बीजेपी, कांग्रेस, एसपी और बीएसपी ने ब्राह्मण उम्मीदवार पर दांव लगाया है, क्योंकि वहां करीब 50,000 ब्राह्मण वोट है। अमरोहा के नौगांवा सीट से योगी सरकार में मंत्री रहे और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान किस्मत आजमा रही हैं। इनके अलावा बुलंदशहर सदर, कानपुर के घाटमपुर और फिरोजाबाद की टुंडला सीट के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर जीत से पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में राजनीति किस करवट बैठेगी। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों पर उपचुनाव है। इन सीटों पर चुनाव के नतीजे न सिर्फ ये तय करेंगे कि शिवराज का ताज बचेगा कि नहीं, बल्कि कांग्रेस के आधार और सिंधिया के सियासी वजूद का भी इम्तिहान होगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन ये उपचुनाव मध्य प्रदेश की सरकार की तकदीर तय कर सकते हैं। शिवराज अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए और कांग्रेस उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस चक्कर में भाषा की मर्यादाएं भी टूटती चली गई। हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं, ये तो करेंगे, ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम, जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं, आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या है? निर्लज्जता की पराकाष्ठा है, सारे देश में देखा है। इसके जवाब में इमरती देवी मंच से ही फूट फूट कर रोई थी कि जब भी मेरे सामने पड़ते तो मैं बड़े भाई के नाते उनके पैर छूती थी, पर उनने आज मुझे इतना अपमानित किया है कि उसको तो भाई तो भाई, मैं उसको के रूप में देखना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को 28 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। जिन 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें 25 सीटें कांग्रेस विधायकों के पार्टी छोड़ने से खाली हुई हैं। 3 सीटें कांग्रेस के विधायकों की मौत होने से हुई। इनमें भी ग्वालियर चंबल संभाग में 16 सीटें हैं। ये सीटें ग्वालियर राजघराने के ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं, इसीलिए सिंधिया इसे कांग्रेस या बीजेपी की लड़ाई न मानकर अपनी लड़ाई मान रहे हैं।
ये चुनाव मैन सिंह सिसोदिया का नहीं है, ये चुनाव कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, ये आपको समझना है, ये चुनाव। मध्य प्रदेश में उपचुनाव वाली 28 सीटों के नतीजे शिवराज से लेकर कमलनाथ तक के लिए आर पार की लड़ाई का हिस्सा हैं। गुजरात के दो दिन के दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे पीएम, केशुभाई पटेल को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने अपने दौरे पर कई योजनाओं की करेंगे शुरुआत, केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में कई प्रोग्राम। कुलगाम में बीजेपी नेताओं की हत्या की पीएम मोदी ने की कड़ी निंदा, नड्डा ने कहा व्यर्थ नहीं जाएगा बलिदान। कुलगाम में एनआईए ने संदिग्ध ठिकानों पर मारी छापे, कई घरों की तलाशी। शोपिया में भी आतंकी हमला, एक युवक घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। शिवसेना नेता संजय राउत ने उठाया मुंगेर गोलीकांड का मुद्दा, मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए हमले को हिंदुत्व पर हमला बताया। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने पाकिस्तान के कबूलनामे पर विपक्ष पर किया वार, भूले भाषा की मर्यादा। भारत में भी फ्रांस में हुए आतंकी हमले का विरोध, कई शहरों में हुआ विरोध प्रदर्शन। मुंबई में भी हुए फ्रांस में आतंकी हमले का विरोध। फरीदाबाद के निकिता हत्याकांड में जांच तेज, सरकार का ऐलान फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई, अब तक तीनों आरोपी गिरफ्तार। मधुबनी में एक मोबाइल के लिए हुई स्कूल संचालक की हत्या, तीन बाइक सवारों को मारी गई गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सब्जी मंडी में लगी आग, लाखों का नुकसान। असम के लखीमपुर में पराठा भरते ट्रक में लगी आग, हादसे में कोई घायल नहीं। झारखंड के जामताड़ा में जाल में फंसा अजगर, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। शिरडी में तेंदुए की दहशत, रिहायशी इलाके में घुसकर कुत्ते को बनाया अपना शिकार। दिल्ली में कोरोना से एमसीडी के डॉक्टर की मौत, पत्नी ने लगाई मदद की गुहार। दहिसर के कोविड सेंटर में लगी आग, कोई हताहत नहीं, आग की वजह साफ नहीं। मुंबई में कोरोना के असर की दर्द भरी तस्वीर, मां की नौकरी जाने के बाद 14 साल का बेटा घर घर बेच रहा है चाय। भुवनेश्वर में नंदन कानन जू फिर सैलानियों के लिए खुला, काफी तादाद में आ रहे हैं सैलानी। प्रयागराज में विश्व शांति और कोरोना के खात्मे के लिए की गई शिव की विशेष पूजा, कोरोना भगाने के लिए जयकारे। हरियाणवी सिंगर सुमित गोस्वामी को मिली हत्या की धमकी, दबंगों ने घर पर चलाई गोलियां। पुलिस के मुताबिक एक लड़की की खुदकुशी और 10 लाख की उधारी से जुड़ा हुआ है मामला। अयोध्या में पुलिस और दमकल कर्मियों ने बचाई महिला की जान, कुएं में गिरी महिला को बाहर निकाला गया। कानपुर में कारोबारियों ने किया प्रदर्शन, मंडी शुल्क हटाने की मांग। आज है शरद पूर्णिमा, वाराणसी में भक्तों ने लगाई गंगा में आस्था की डुबकी। कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर खून खराबा किया है, कुलगाम में आतंकियों ने बीजेपी के तीन नेताओं की हत्या कर दी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और दहशतगर्दों को दबोचने का ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में अमन को पटरी से उतारने की ये नई साजिश है। कायर आतंकवादियों ने एक बार फिर सुरक्षा से खेलने का दुस्साहस किया है। आतंक के हॉटस्पॉट कुलगामा में दहशतगर्दों ने एक साथ बीजेपी के तीन नेताओं की हत्या कर दहशत फैलाने की कोशिश की है। आतंकवादियों ने इस हमले को उस वक्त अंजाम दिया जब तीनों नेता एक कार से रात 8:30 बजे के करीब घर लौट रहे थे। तीनों को आतंकवादियों ने घेर लिया और सामने से गोलियां बरसा दी। घेराबंदी ऐसी की कि भागने का मौका तक नहीं मिला। जब तक अस्पताल पहुंचाया जाता तीनों की मौत हो चुकी थी। बीजेपी के तीन कार्यकर्ताओं ने आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये बहुत बड़ा और दूसरा बड़ा आतंकी हमला था बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, और पुलिस ने इस हमले के बाद ही पूरे इलाके में एक महातलाशी अभियान शुरू किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की इस हत्या की निंदा की है।
इस हमले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कश्मीर में बदलाव की बयार से अमन के दुश्मनों का दम घुटने लगा है। दहशतगर्द आपक होने लगे हैं। बीजेपी का कहना है कि जो पार्टियां कश्मीर में सक्रिय हो रही हैं, वो निशाने पर हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो कश्मीर में एक्टिव होने का प्रयास कर रही हैं, उनके द्वारा प्रभाव किए जाने पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। खैर, इसको सहन नहीं किया जाएगा, उनको सभी को मार गिराया जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा लॉस भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, इस नेशन को हुआ है। और जो लोग तिरंगा लेकर के कश्मीर में चलते हैं, उन पर एक विराम लगाने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर में बीजेपी नेताओं की हत्या की पीएम मोदी ने निंदा करते हुए शोक जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, अपने तीन युवा कार्यकर्ताओं की हत्या की मैं निंदा करता हूँ। वे ऊर्जावान युवा जम्मू कश्मीर में शानदार काम कर रहे थे। शोक की इस घड़ी में उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी शोक जताया है। कश्मीर में आतंकी हमले में तीन राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। हिंसा करने वाले मानवता के दुश्मन हैं और इस तरह के कायरतापूर्ण कृत्यों को उचित नहीं ठहराया जा सकता। कानून अपना काम करेगा और जो भी इस जघन्य कांड में शामिल है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी हमले की निंदा की है, लेकिन इन नेताओं से सवाल है कि आखिरकार कश्मीर में अलगाववाद को हवा देना ये नेता कब बंद करेंगे। दिल्ली से कमलजीत संधु और श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ आज तक ब्यूरो। मीनाक्षी, इस पूरी घटना की निंदा की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा है कि ये घटना निंदनीय है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कायराना हमले में आतंकवादियों ने जिला बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन समेत तीन नेताओं की हत्या कर दी। ऐसे राष्ट्रभक्तों का जाना देश के लिए नुकसानदायक है। बीजेपी नेताओं पर आतंकी हमला दहशतगर्दों की हताशा का सबूत है, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि ऐसे हमलों से आतंक के सफाई का अभियान रुकने वाला नहीं है। बीजेपी ने यहां तक कहा कि आतंकी चाहे जितना जोर लगा ले, सेना का ऑपरेशन जारी रहेगा। देखिए, ये आतंकवादियों की जो कायराना हरकत है, इससे किसी भी तरह से जो राष्ट्रवादी जुनून है, जो जज्बा है, वो कमजोर नहीं होगा। जो हमारे युवा मोर्चा के पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, वो शहीद हुए हैं, उनकी शहादत ज़ाया नहीं जाएगी। और इस तरह की इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है, जब इस तरह की हरकतें, शैतानी हरकतें होती हैं तो इंसानियत और मजबूत होकर के उभरती है, राष्ट्रवाद और मजबूती के साथ अपना परचम फहराता है। कायर पाकिस्तानियों ने रात के अंधेरे में छिपकर पीठ के पीछे वार किया और हमारे तीन कार्यकर्ता शहीद हो गए। हमारे शहीद कार्यकर्ताओं की शहादत, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। लहू के कतरे कतरे का बदला हम लेंगे। लहू के कतरे कतरे को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और चुन चुन कर इन आतंकवादियों का कश्मीर घाटी से सफाया करेंगे। हमारे जांबाज कार्यकर्ताओं ने अपनी मातृभूमि के लिए, हुबले वतनी के लिए, अपने देश और अपने तिरंगे झंडे के लिए अपना बलिदान दिया है। पूरा देश कश्मीर घाटी के अंदर शहीद हुए भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यकर्ताओं को सलूट करता है, सलाम करता है। तो बीजेपी के नेता आज कुलगाम पहुंच रहे हैं परिवार को सांत्वना देने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर उपराज्यपाल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने भी ट्वीट के जरिए परिवार के साथ सांत्वना और उन्हें अपना संदेश दिया। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग वहां पर इकट्ठा होते हुए अपने सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए घात लगाकर इन तीन नेताओं पर निशाना साधा गया, इन पर हमला किया आतंकवादियों ने और उसके बाद वो फरार हुए। और इसीलिए बार बार ये सवाल उठ रहा है कि कश्मीर में
अगर बीजेपी अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश में है तो जिस तरह से ये टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, निशाना बनाकर युवा नेताओं को खत्म किया जा रहा है, इसे लेकर अब आगे की राह क्या होगी? कुलगाम की तस्वीर देख रहे हैं आप, जहां पर तीन बीजेपी के नेताओं की नृशंस तरीके से आतंकवादियों ने हत्या कर दी। कहते हैं झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। पाकिस्तान ने खुद मान लिया कि पुलवामा हमले की साजिश उसी ने की थी। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान सरकार के मंत्री ने वो सच कबूला जो दुनिया पहले से जानती रही है। मंत्री ने जो कुछ कहा उससे साफ हो गया कि पुलवामा का प्लान इमरान खान का था। किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड थे इमरान खान। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर। 40 जवानों को मौत के घाट उतारने की साजिश इमरान खान की थी। पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। दहला देने वाले इस आतंकी हमले की स्क्रिप्ट इमरान खान सरकार ने लिखी थी। जिस बात का दावा भारत पहले दिन से कर रहा था, 623 दिन बाद पाकिस्तान ने भी उसे कबूल कर लिया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वहां के मंत्री फवाद चौधरी का ये बयान सुनिए, किस तरह वो बड़े गर्व के साथ पुलवामा आतंकी हमले का श्रेय इमरान खान को दे रहे हैं। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर, वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। ये एक मुल्क की संसद है और ये बयान एक चुनी हुई सरकार के मंत्री का है। इस कबूलनामे के बाद किसी शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं बचती। खुद इमरान खान के मंत्री ने पूरी दुनिया के सामने साफ कर दिया कि आतंकवाद पर पाकिस्तान के आंसू कितने घड़ियाली हैं। मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूँ, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि हम एक्शन लेंगे। झूठ बोलते हैं इमरान, दुनिया की आंखों में धूल झोंकते हैं इमरान। बात करते रहे आतंक से साझा लड़ाई की और साजिश करते रहे खून खराबे की। अब इमरान के पास चेहरा छिपाने का भी रास्ता नहीं बचा, क्योंकि उन्हीं के मंत्री ने असलियत सामने रख दी है। पाकिस्तान के उन मंत्री का धन्यवाद देता हूँ कि जिस बात को अब तक नहीं कबूल रहे थे उन्होंने कबूल ली। आतंकवादी घटना कराना अगर बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है या अचीवमेंट माना जाता है सरकार का, तो सिर्फ एक ही चीज दिखाता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। जितना इसके ऊपर दुनिया अलग अलग प्रतिबंध लगाए उतना ज्यादा अच्छा है। पाकिस्तान असेंबली में इन दिनों जिस किस्म की सियासत चल रही है उसमें अनजाने में ही कई सच सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के सियासी दल खुद ब खुद वो तमाम हकीकत दुनिया को बता रहे हैं जिन पर अब तक वो खुद ही पर्दा डाल रहे थे। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें। इसी बयान के जवाब में इमरान के मंत्री ने वो सच कबूल किया जिससे वो भागता रहा है। तो अब ये साबित हो गया कि पाकिस्तान आतंकवाद की हिमायत करने वाला मुल्क है, वो भारत में आतंकी हमले करवाता है। आज तक ब्यूरो। तो मुंगेर कांड ने बिहार की राजनीति को गर्मा दिया है। 26 अक्टूबर की रात दुर्गा विसर्जन के दौरान मुंगेर में जो गोलीकांड हुआ, अब उस पर पब्लिक भड़क गई है। मुंगेर में थाना फूंक दिया गया जिसके बाद एक्शन लेते हुए एसपी और डीएम को हटा दिया गया। जो लगा हुआ है सरकार से बोली माना, आम आदमी को प्रशासन बोली माना।
बिहार में सियासत सुलग रही है और इस चुनावी राजनीति के बीच बिहार का एक शहर धधक रहा है। जी हाँ, ये मुंगेर है। आप देख सकते हैं बीच सड़क पर गाड़ियां फूंक दी गई, आग की लपटें और काला धुआं आसमान में छाया हुआ है। लोगों ने थाने पर धावा बोल दिया, पुलिस चौकी में आग लगा दी गई, एसपी ऑफिस पर हमला हुआ, टायर जलाकर रास्ते बंद कर दिए गए। मुंगेर में दुर्गा विसर्जन के दौरान पुलिस फायरिंग में हुई एक युवक की मौत के बाद कोहराम मचा हुआ है। गुरुवार को तो जैसे पूरा मुंगेर शहर ही धधक उठा। सैकड़ों की संख्या में लोग शहर में प्रदर्शन करते हुए पहले किला परिसर में एसपी ऑफिस पहुंचे, यहां भारी तोड़फोड़ की। इसके बाद आक्रोशित और उग्र लोगों की भीड़ किला परिसर से निकलकर कोतवाली थाना और फिर सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए पूरब सराय थाने पहुंचे, वहां पुलिस वाहन में आग लगा दी गई। मुंगेर के हालात इतने बिगड़ गए कि सड़कों पर तैनात पुलिस वाले भी जान बचाकर इधर उधर छिपने लगे। बवाल बढ़ा तो डीआईजी मनु महाराज ने पूरी टीम के साथ कमान संभाल ली और किसी तरह माहौल को शांत कराया गया और पूरे शहर में फ्लैग मार्च शुरू हो गया। हम पहले भी अपील कर चुके हैं, शांति से रहें, जो भी स्थिति है उसको नियंत्रण में किया जा रहा है। उपद्रवी तत्व जो है वो बीच में नहीं आए और क्षति ना पहुंचाए। जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हम लोग करेंगे, जांच होगी सब भी, कोई भी उपद्रवी तत्व ना आए और लोग उसको भीड़ का पार्ट ना बने। सर, कितने थानों को जला गया, क्या क्या क्षतिग्रस्त गया सर? दो थानों, तीन चार थानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है, उसका आकलन अभी किया जा रहा है। सर, कितने लोग घायल हुए इसमें, पुलिसकर्मी कितने घायल हुए सर? अभी हम आकलन करेंगे कुछ भी है। ठीक है सर, फिर आपको उपद्रवियों पर कोई कार्रवाई सर? क्या उपद्रवियों पर कोई कार्रवाई? निश्चित रूप से चिन्हित करके कार्रवाई होगी, वीडियो फुटेज भी आया है सब लोग, इस तरह की जो घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाती। मुंगेर की इस हिंसा पर चुनाव आयोग भी एक्शन में आ गया। मुंगेर के डीएम और एसपी लिपि सिंह को हटा दिया गया तो वहीं एडीजी ने बताया कि पूरे मुंगेर कांड की जांच तेजी से की जा रही है। 26 तारीख की रात्रि में मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के क्रम में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई और उसको लेकर के जो आगे कार्रवाई हुई उस समय में जो है कांड दर्ज किए गए हैं, उन कांडों का अनुसंधान किया जा रहा है। कांडों के अनुसंधान और उससे संबंधित जांच के क्रम में जो बातें सामने आएंगी उनके अनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। फौरी तौर पर क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह की बातें हैं सामने? फौरी तौर पर जो है अभी कह सकते हैं कि अभी तक जो बात सामने आई है उसमें ये कि मूर्ति विसर्जन के पेस को लेकर के उसमें जो है। मुंगेर में आगजनी और हिंसा हुई तो कांग्रेस ने नीतीश सरकार पर धावा बोल दिया और सवाल दाग दिए कि दुर्गा विसर्जन के दौरान लोगों को गोली मारने का जिम्मेदार कौन है? जब कभी भी दुर्गा पूजा होती है लोग भसान करने के लिए जाते हैं, उसमें आप उनको नहीं जाने दे रहे, उनके ऊपर गोलियां चल रही हैं, लोग मर रहे हैं, छोटा बच्चा मर गया, उसके माँ का दर्द इनको क्या पता? जो लोग केवल झूठ फूस पर ही जीते हो वो किसी माँ का दर्द नहीं समझ सकते। जिस माँ ने दूध पिला के एक बच्चे को बड़ा किया हो, संभवतः इनके अंदर वो सीना नहीं है, इनके अंदर वो भावना नहीं है जो समझ सके कि क्या होता है बच्चे का दर्द। हम आपको बता दें कि 26 अक्टूबर की रात दुर्गा विसर्जन के दौरान पुलिस और लोगों के बीच खूनी भिड़ंत हो गई। इसके बाद लाठीचार्ज और फायरिंग हुई जिसमें अनुराग पोद्दार नाम के एक शख्स की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर मुंगेर का यह वीडियो खूब वायरल हुआ और अब उसी का गुस्सा मुंगेर की सड़कों पर फिर से दिखाई दिया। मुंगेर के लोग पुलिस पर भड़के हुए हैं और आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने भीड़ पर गोलियां क्यों चलाई। इधर मुंगेर कांड की जांच मगध डिवीजन कमिश्नर को दी गई जो 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। साथ ही मुंगेर में नए एसपी और डीएम की तैनाती कर दी गई। गोविंद के साथ रोहित सिंह, मुंगेर आज तक। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ देश के कई शहरों में मुस्लिम समुदाय की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। भोपाल में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया, मैक्रों के खिलाफ नारेबाजी की, उनकी तस्वीरों को रौंदा। मुंबई और अलीगढ़ में भी विरोध की ऐसी तस्वीरें दिखाई दी। दरअसल मैक्रों ने फ्रांस में कट्टरपंथ के खिलाफ सख्ती का ऐलान किया है।
फ्रांस भारत के मित्र देशों में है और ऐसे में मैक्रॉन के खिलाफ ये प्रदर्शन भारत सरकार के लिए मुश्किल पैदा करने वाला हो सकता है।